फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे, दैट इज नंबर सिस्टम। अब इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 जितना भी क्वेश्चन था। तो अगर सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से सीखना है, ठीक है, तो आप लोग इसका पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सकला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जितना भी आपको जितना भी क्वेश्चन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन नंबर 1 में, सारा को हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज है, और हम लोग को ये भी बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है। तो देखिए, डेसिमल जो एक्सपांशन होता है नंबर का, डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप में होता है। ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं दो टाइप में। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ध्यान से अगर आप लोग ये कंसेप्ट को सीख गए तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी है। ठीक है, तो पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो इन दोनों का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर दूं मैं, जैसे 20, अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, या 20 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, दैट इज 2, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूं 22/7 को, तो आप लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, 3.14 समथिंग मिलेगा। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करके ऐसा आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन कौन सा बोलेंगे, इस डेसिमल एक्सपांशन जो नंबर बार बार रिपीट करता है, उस डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और जो नंबर रिपीट ना करे बार बार, ठीक है ना, उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, दैट इज 36/100। आप ये जो 36/100 है, इसको मुझे सबसे पहले पहला काम क्या है, डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या है 36, बाहर कितना 100। ठीक है, अब ये 100 का टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो 100 कितना जा 360, 360 नहीं आता उससे कम, दैट इज 300, तो 100 की जा 300, माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 6 - 0 6 और ये 0। अब पॉइंट क्या, आप लोग 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अब 100 कितना का 600 होता है, 106 का, तो 600 आ गया माइनस 0। तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मैंने क्या बोला, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना, और ये नंबर आगे डिवाइड नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, तो देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया क्वेश्चन, दैट इज 1/11। अब इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको भी सेम तरीका से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर होता है नंबर उसको अंदर लिखेंगे, जो बाहर होता है, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 11 का टेबल 1 नहीं आता है, इसको पॉइंट देंगे 0 आएगा। ठीक है, अब 11 का टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो यहाँ पे फिर से मैं 0 बिठाऊंगा,
और एक जीरो दिया है, ठीक है। और 11 9 का कितना हो गया 99। अब इसको जब माइनस करेंगे हम लोगों को कितना मिलेगा वापस से, दैट इज 1 मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ना आप लोग को बार बार क्या होगा, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फिर क्या बिठाऊंगा जीरो, ठीक है, पॉइंट या जीरो बिठा सकते हैं, फिर क्या होगा जीरो यहाँ पे जीरो, तो फिर कितना होगा 11 9 जा 99। तो इसको जब माइनस करके फिर से 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा रिपीट होते जाएगा। तो इस टाइप का इस फंक्शन को देखो आप लोग, रिमाइंडर कितना आया 1, जीरो नहीं आया। तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। तो देयरफॉर वी कैन से इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक बात यहां पे आप लोग को और एक चीज लिखना है, यहां पे आप लोग ऐसे लिख देना, दैट इज 36/100 का जो डेसिमल फॉर्म आ गया वो कितना आया, दैट इज आगे कुछ नहीं मतलब 0.36, ठीक है। सिमिलरली इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया 1/11 का, तो देयरफॉर 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया वो कितना आया, दैट इज 0, दैट इज आगे कुछ नहीं मतलब 0, तो 0.09। और जब कोई रिपीट करता है ना आप लोग उसका ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 0909 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हमें 4 1/8। तो अगर इसको ऑब्जर्व करो तो ये आप लोग को फ्रैक्शन में नहीं दिया, एक कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपरली कर लो, तो क्या हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 इज 32 प्लस ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 8, ठीक है। 4 इज 32 प्लस ऊपर जो होगा सेम नंबर और नीचे जो होता है वो सेम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 32 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 33, नीचे कितना 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 ऊपर है तो अंदर होगा, 8 नीचे है तो बाहर होगा। अब 8 का टेबल में 33 नहीं आता, उससे कम, 8 4 32, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आ गया, 3 में से 2 1। अब यहाँ पे 8 का टेबल में 1 नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, ठीक है। फिर माइनस के कितना आया 2, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग कर सकते हैं, दैट इज पॉइंट दिया तो 0 लगा सकते हैं, फिर 8 2 जा 16, फिर 20 में से 6 गया तो ये बिकम 4, ठीक है। अगर 20 में से 16 गया तो ये बिकम 4, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया तो हम लोग 0 लगा सकते हैं, 8 कितना था 40 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर आया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर, यहाँ पे दिया गया है दैट इज 3/13। अब यहाँ पे भी आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर है 3, तो जो ऊपर होता है क्वांटिटी उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3, और बाहर जो क्वांटिटी होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाहर। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर में 13 लिख दिया। तो अगर देखो आप लोग 13 का टेबल में 3 तो नहीं आता है तो पॉइंट देंगे आपने 0 आ गया, ठीक है। अब 13 2 का कितना होता है 26, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 4, ठीक है। आप पॉइंट या 0 लगा सकते हैं हम लोग, 13 का टेबल में 40 नहीं आता है, ठीक है, तो उससे कम कौन है, दैट इज 39।
तो 13 3 39। अब इसको फिर माइनस कर दें, तो अगर माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो पॉइंट दिया तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग 13 और 10, 13 का टेबल में 10 नहीं आता है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे 0। ठीक है, अब 13 × 7 ये कितना आएगा 91। ठीक है, 13 × 7 = 91 और यहाँ पे हम लोग 0 लगाए थे ना, तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे 13 के टेबल में ये 10 नहीं आता है। ठीक है, तो अगर 13 के टेबल में 10 नहीं आता है तो हम लोग 0 लगाएंगे और फिर से यहाँ पे 0 बिठाएंगे। ठीक है, अब 13 × 7 कितना होता है 91, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, 100 में से 91 गया तो बचा कितना 9। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे पॉइंट दिया तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 6 करते हैं तो कितना आएगा 78। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ से 1 गया, 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट दिया तो हम लोग फिर से 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फिर से देखे तो यहाँ पे 6 जाएगा तो 39 आप करते हैं, क्योंकि 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91। ठीक है, तो 39 का कितना होगा, 9 × 3 = 7, 9 × 9 = 10, 117 आ रहा है। ठीक है, तो 39 का कितना आ जाएगा 117। अब इसको माइनस किया तो कितना आएगा, फिर ये आ जाएगा 33। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग ये जो नंबर है 3, ये फिर से रिपीट, स्टार्टिंग में जैसे पहले 3 था ना, पहले 3 वो फिर से आ गया थी और फिर से बार बार ऐसी प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, तो देयरफॉर वी कैन से जो 3/13 का जो डेसिमल एक्सपांशन आ गया वो कितना आया, डेसिमल फॉर्म 0.230769 और इसके ऊपर हम लोग क्या देंगे, इसके ऊपर रेकरिंग देंगे। ठीक है, तो ये रेकरिंग का मतलब होता है कि ये नंबर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये कौन सा एक्सपांशन हो गया, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें दिया गया है, दैट इज 2/11। अब इसको भी यहाँ पे 2/11 दिया है तो हम लोग इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखेंगे, जो बाहर होता है उसको, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 के टेबल में 2 नहीं आता है। ठीक है, तो अगर 11 का टेबल में 2 नहीं आता है तो पॉइंट देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, तो 11 का टेबल 20 नहीं आता है तो क्या करेंगे, 11 × 1 = 11। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो जब माइनस करने के बाद ये 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पे 1 − 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट गया, फिर से 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 11 × 8 कितना होता है, 88। ठीक है, अब इसको जब माइनस किया, इसको जब माइनस करेंगे तो 90 में से अगर 88 को काटे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, स्टार्टिंग में भी 2 था और एंडिंग में भी फिर से 2 आ गया, तो ये क्या हुआ, देखिए ये फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर फिर से ये रिपीट कर रहा है तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जो 2/11 का जो डेसिमल फॉर्म होगा क्या होगा, दैट इज 0.18 ऊपर बार। ठीक है, और देयरफॉर वी कैन से इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 329/400। ठीक है, अब ये जो 329/400 ये कैसे होगा आप लोग देखो,
सबसे पहले यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, इसको भी डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर होता है नंबर उसको अंदर लिखना है, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब 409 का करे, 409 जा तो ये कितना आएगा, दैट इज 3600। 409 का कितना आएगा, 3600, तो इसीलिए हम लोग इससे कम लेंगे, 408 डालेंगे, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3200, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 90, ठीक है। अब यहाँ पे 400 की टेबल में 90 तो नहीं आता है, तो यहाँ पे पॉइंट ये तो जीरो लगा सकते हैं। अब 402 जा करते हैं तो ये कितना होगा, 800, माइनस करते तो कितना आएगा, दैट इज 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। तो जीरो डालते मैंने, अब 402 जा कितना होता है, 800, ठीक है ना, और 403 जा कितना होगा, 1200, जो कि इससे ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 402 जा ही देंगे, दैट इज 800। अब इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये कितना जाएगा, 200, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर से हम लोग जीरो बिठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 400 कितना जा, 2000 होता है, तो 405 जा आप लोग ट्राई करना, क्योंकि 4520 और 20 है, दैट इज 2000, ठीक है। तो 405 का कितना होगा, दैट इज 2000। अब इसको माइनस किया तो जीरो आ गया, तो देखिए आपका रिमाइंडर कितना गया, जीरो। तो जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से 329 बाय 400 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया या डेसिमल फॉर्म आया वो कितना आया, दैट इज 0.8225, और देयरफॉर इट इज ए डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, थैंक यू।